एक बार की बात है, एक प्यारी सी बटरफ्लाई सुबह के टाइम गार्डन में उड़ रही थी। इतने में पिंकी आई। पिंकी ने बटरफ्लाई को देखा और वो उसे पकड़ने के लिए भागी। बटरफ्लाई उड़ती रही और उसके हाथ में नहीं आई। पिंकी ने अपने फ्रेंड गुड्डी को बुलाया। ए गुड्डी, इधर आना। हाँ बता। इस बटरफ्लाई को पकड़ना। पिंकी और गुड्डी ने ट्राई किया बट वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाए। बहुत जंप किया उन्होंने बट बटरफ्लाई अपने मन में उड़ती रही। फिर पिंकी और गुड्डी ने अपने फ्रेंड बिल्लू और पप्पू को बुलाया। ए बिल्लू और पप्पू, इधर आना, ये बटरफ्लाई हमको पकड़ के देना। बिल्लू और पप्पू आए। दोनों स्कूटर पे थे। दोनों ने रेस लगाई। बटरफ्लाई उड़ती रही और अचानक से बिल्लू और पप्पू ने दोनों साइड से मिलके बटरफ्लाई को पकड़ लिया। ए रुक, मैं जाके इस बटरफ्लाई के लिए एक ग्लास का बॉटल ले आता हूँ। चल मैं चलता हूँ। पप्पू चला गया। पप्पू अपने साथ एक ग्लास का बॉटल ले आया। उसने बटरफ्लाई को ग्लास के बॉटल में बंद कर दिया। बटरफ्लाई को बंद देखकर पिंकी और गुड्डी बहुत खुश हुई और शाबाश, बिल्लू और पप्पू तुमने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। हाँ, हम तो है ही स्मार्ट। देखो मैंने ग्लास के जार में उसको बंद कर दिया। हाँ, हम दोनों स्मार्ट हैं। हम दोनों ने बटरफ्लाई पकड़ ली। अब हम इसको उसके साथ रोज खेलेंगे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा बटरफ्लाई अपने विंग्स को ग्लास के जार में मारने लगी। बटरफ्लाई तड़पने लगी और उसको प्रॉब्लम होने लगी। वो उड़ नहीं पा रही थी। वो अपने विंग्स जोर जोर से ग्लास केस में मार रही थी जिससे उसे चोट भी लग रही थी। इतने में बंदर मामा आए। बच्चों, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने बटरफ्लाई को क्यों बंद करके रखा है? क्या तुम्हें पता है ये बटरफ्लाई थोड़ी देर छूटने की कोशिश करेगी, अपने पंख मारेगी, फिर इसके पंख टूट जाएंगे और फिर ये बटरफ्लाई मर जाएंगी और तुम लोग उसके साथ खेल नहीं पाओगे। बटरफ्लाई देखो कितनी सैड हो गई है। बटरफ्लाई को उड़ने देना चाहिए ताकि वो खुली हवा में उड़े और हैप्पी हैप्पी रहे। अच्छा, ये बात है तो बिल्लू और पप्पू प्लीज इस बटरफ्लाई को छोड़ दो। हाँ, हमें भी अब समझ में आ गया है कि बटरफ्लाई खुली हवा में ही उड़ना चाहती है। इस जार में ये उड़ भी नहीं पा रही और बहुत दुखी है। चलो हम इसको रिहा कर देते हैं। उन्होंने बटरफ्लाई को छोड़ दिया। बटरफ्लाई फिर उड़ने लग गई। थैंक यू बंदर मामा, आपने इन लोगों को सही बात बताई, वरना मैं इस जार के अंदर मर जाती। और थैंक यू बिल्लू पप्पू और पिंकी और गुड्डी, तुम लोग रोज मेरे साथ खेलना। मैं रोज खेलने आऊंगा तुम लोगों के साथ, पर मुझे बंद मत करना वरना मैं मर जाऊंगी। ठीक है, तुम रोज हमारे साथ खेलना और रोज आना। ठीक है, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। बाय बाय और थैंक यू वंस अगेन। टिक 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 टिक। अगले दिन बटरफ्लाई आई और अपने साथ येलो पेंगुइन, ब्लू पेंगुइन, ऑरेंज टेडू और ग्रीन टेडू को भी अपने साथ लाई खेलने के लिए। और सब ने मिलकर बहुत खेला। वाओ, ये। और तब से बटरफ्लाई रोज आती और अपने साथ इन दोस्तों को भी लाती और सब मजे से बॉल से खेलने लग गए। और
सब खुशी खुशी रहने लग गए। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज रोज सुननी है तो आप रेड वाला सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, ताकि रोज रोज आपको नई नई स्टोरी सुनने को मिल सके। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।